हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डू फोर्थ चैप्टर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज साइंटिफिक टेंपर। इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू थिंग्स योर सेल्फ, डू नॉट इंडल्ज इन शॉर्टकट्स बाई इम्पॉर्टिंग इक्विपमेंट। These were the words of the 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, who craved to make the nation independent in terms of technology, equivalent to the top leading nations of the world. ये words जो हैं हमारी country के 11th President Dr. APJ Abdul Kalam के थे, जो हमारी country को technology की terms में एक independent nation बनाना चाहते थे। जो world की top leading nations हैं, बिल्कुल उनके same ही वो India को भी बनाना चाहते थे। Kalam was the first scientist and engineer to occupy the seat of Rashtrapati Bhavan for the tenure from 2002 to 2007. Kalam पहले ऐसे scientist और engineer थे जिन्होंने 2002 से 2007 के time period के बीच के में राष्ट्रपति भवन में अपनी सीट को ऑक्यूपाई रखा। मींस इस टाइम पीरियड पर वो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट थे। एम्फेसाइजिंग दैट इंडिया नीड्स टू प्ले अ मोर असर्टिव रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, उन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि इंडिया को जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना रोल बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्ले करने की जरूरत है। दिस ग्रेट मैन अनइनिशिएटेड हिज ड्रीम टू मेक इंडिया अ नॉलेज सुपर पावर बाय द ईयर 2020। ये ग्रेट मैन 2020 तक हमारी कंट्री को एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में देखना चाहते थे। ये इनका ड्रीम था और अपने ड्रीम को उन्होंने क्लियरली लोगों के सामने रखा था। बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द स्मॉल आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम दैट वॉज पार्ट ऑफ अ मद्रास स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया ऑन October 15, 1930, अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम वॉज वन ऑफ द मैनी चिल्ड्रन इन द फैमिली, अ शॉर्ट बॉय विद रादर ऑर्डिनरी लुक्स। उनका जन्म जो है तमिल में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। एक रामेश्वर जो कि एक छोटा सा आइलैंड टाउन है, मद्रास स्टेट का ही जो एक पार्ट था, वहाँ पर हुआ ऑन October 15, 1930, एक ब्रिटिश इंडिया में हुआ, क्योंकि उस टाइम पर हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था। अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अपने फैमिली के बहुत सारे बच्चों में से एक थे। एक छोटे से एक ऑर्डिनरी लुक वाले वो बॉय थे, ठीक है। हिज फादर जैनुलाब्दीन अ स्पिरिचुअल मैन, उनके फादर जैनुलाब्दीन एक रिलीजियस पर्सन थे, रिस्पेक्टेड बाय पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। और रामेश्वर में रहने वाली जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, मीन्स हिंदू मुस्लिम दूसरी चाहे कि तो कोई भी कम्युनिटी है, सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। वो नीदर हाईली एजुकेटेड नॉर वेरी रिच, ना तो वो ज़्यादा एजुकेटेड थे ना ही ज़्यादा अमीर थे। ही रेंटेड आउट ऑफ हिज बोर्ड्स टू अर्न हिज लिविंग, और अपनी जीविका को कमाने के लिए वो अपनी बोर्ड्स को किराए पर देते थे। कलाम हैड स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ अ कल्चर्ड फैमिली वेयर असेंशियल नीड्स फूड मेडिसिन क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर। और कलाम की जो है रूट्स एक कल्चर्ड फैमिली से थी, मीन्स वो एक कल्चर्ड फैमिली से रिलेट करते थे, जहाँ पर जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे कि फूड मेडिसिन क्लॉथ्स, इन सबको प्रोवाइड किया जाता था। हिज फादर अवॉइडेड ऑल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, उनके फादर ने लाइफ से रिलेटेड जितनी भी कम्फर्ट्स और लग्जरीज होती हैं उन्हें अवॉइड किया था, मीन्स किसी टाइप के कम्फर्ट्स उनके घर में नहीं थे। एंड लिव फ्रूगली अकॉर्डिंग टू हिज ऑसर्स प्रिंसिपल्स, और अपने स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स के साथ एक सिंपल लाइफ जीते थे। हिज मदर आशिमा वॉज वेरी जीनियस, उनकी मदर आशिमा बहुत ही जीनियस थी। देयर यूज टू बी फार मोर आउटसाइडर हु एट देम विद देम देन ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली पुट टुगेदर एंड हिज मदर फेड देम हैप्पीली। और ये हमेशा होता था कि उनकी फैमिली के मेंबर्स से ज़्यादा आउटसाइडर उनके घर में खाना खाते थे। मीन्स इतने तो उनकी फैमिली के मेंबर्स भी नहीं होते थे जितने आउटसाइडर डेली उनके घर में खाना खाते थे, और उनकी मदर हैप्पीली जो है सभी आउटसाइडर्स को खाना खिलाती थी। कलाम्स चाइल्डहुड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई जलालुद्दीन, कलाम का चाइल्डहुड जो है जलालुद्दीन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अ क्लोज फ्रेंड एंड अ मेंटर हु लेटर बिकम हिज ब्रदर इन लॉ आफ्टर मैरिंग हिज सिस्टर जोहरा, जो कि उनके क्लोज फ्रेंड थे और मेंटर, मेंटर मीन्स ट्रूली एडवाइजर, और एक ट्रूली एडवाइजर भी थे, जिन्होंने बाद में उनकी सिस्टर जोहरा से मैरिज की और उनके ब्रदर इन लॉ बन गए। ही वॉज द ओनली पर्सन ऑन द आइलैंड हु कुड रीड एंड राइट इंग्लिश, वो आइलैंड पर अकेले ऐसे पर्सन थे जो इंग्लिश को पढ़ और लिख सकते। एवरी इवनिंग दे यूज टू गो फॉर वॉक्स व्हेन जलालुद्दीन वुड टॉक अबाउट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड मॉडर्न वर्ल्ड, और हर शाम को वो लोग वॉक्स के लिए जाते थे जहां पर जलालुद्दीन साइंटिफिक डिस्कवरीज और मॉडर्न वर्ल्ड की बातें करते। विच हेल्प कलाम टू लुक बियॉन्ड द लिमिटेड हॉरिजॉन्स ऑफ हिज लाइफ, जिन्होंने कलाम को अपनी लाइफ की लिमिटेड हॉरिजॉन्स से बाहर देखने में हेल्प की। मीन्स इन
टॉक्स की वजह से उन्हें साइंटिफिक डिस्कवरीज और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पता चला। There was yet another person, Smaisuddin. एक और दूसरे पर्सन थे Smaisuddin, the only newspaper distributor in the small town who influenced Klam. इस small town में अकेले newspaper distributor थे जिन्होंने Klam को बहुत ज़्यादा influence किया। Smaisuddin उनके cousin थे। Okay, before Smaisuddin sorted out the newspapers, Klam, being quite young at that age, would open the newspaper and see the pictures as he could not decipher the printed matter. और Smaisuddin के पेपर्स को शॉर्टेड आउट मीन्स उनको अरेंज करने से पहले Klam सभी न्यूज़पेपर्स को खोलते थे और न्यूज़पेपर्स में जितनी भी पिक्चर्स होती थी उन्हें देखते थे, क्योंकि प्रिंटेड मैटर को तो वो ना पढ़ सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, उसको पहचान भी नहीं सकते थे। ओके, डेसिफर का मीनिंग होता है रीड एंड अंडरस्टैंड। जो प्रिंटेड मैटर होता था उसको ना वो रीड कर सकते थे ना ही अंडरस्टैंड कर सकते थे, इसीलिए सिर्फ पिक्चर्स को देखते थे। दिस इंक्रीज्ड हिज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड टू सम एक्सटेंट, और जिसकी वजह से उनका जो अवेयरनेस थी वो बाहर के वर्ल्ड में इंक्रीज हुई, मीन्स वो बाहर के वर्ल्ड के बारे में जान सके इन पिक्चर्स की हेल्प से। ही वॉज 8 ईयर्स ओल्ड व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। जब वो 8 ईयर्स के थे तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। फॉर सम रीज़न देर वॉज अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स ड्यूरिंग द वॉर, और कुछ रीज़न की वजह से वॉर में जो है टैमरिंड सीड्स इमली के बीजों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यहाँ पर आपके लिए एक टास्क है, आपको पता लगाना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टैमरिंड सीड्स की जरूरत क्यों थी, एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, Klam वुड कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजनल स्टोर। Klam जो है उन सीड्स को कलेक्ट करता और उन्हें जो है एक प्रोविजनल स्टोर पर बेच देता। दैट वुड फेच हिम अ प्रिंसली अमाउंट ऑफ 1 आना, और जिसकी वजह से उन्हें एक प्रिंसली एक बहुत अच्छा अमाउंट 1 आना मिला। 1 आना उस टाइम पर बहुत अच्छा अमाउंट होता था, क्योंकि उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो है ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो उस टाइम पर ये एक अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता था। ही ऑल्सो हेल्प्ड हिज कज़न टू मूव द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर व्हेन द ट्रेन होल्ट एट रामेश्वर वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्राइसिस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्राइसिस की वजह से जब रामेश्वर में ट्रेन नहीं रुक पाती थी, तो वो अपने कजन Smaisuddin को हेल्प करते थे न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने में। एज द बंडल्स ऑफ द न्यूज़पेपर वर टॉस्ड आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द टू द रोड, हिज कजन वॉज फोर्स टू सीक द हेल्प ऑफ Klam। क्योंकि न्यूज़पेपर्स को मूविंग ट्रेन से बाहर चलती हुई ट्रेन से ही फेंका जाता था, इसीलिए उनके कजन को Klam की हेल्प की जरूरत थी। दिस एक्सपीरियंसिस गेव हिम द थ्रिल, इन एक्सपीरियंसिस ने उनको बहुत ज़्यादा थ्रिल, बहुत ज़्यादा मज़ा दिया, एंड प्राइड द अर्निंग मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम पर उन्होंने मनी को अर्न किया था, जिसकी वजह से उन्हें प्राइड भी फील हुआ। Klam had many good friends of his own age at the elementary school. अपने प्राइमरी स्कूल में ही Klam के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। When he was in grade 5, they had a new teacher. जब वो ग्रेड 5 में थे तो उनके एक नए टीचर आए। Klam used to wear a cap in his childhood, which marked him as a Muslim. Klam जो है अपने बचपन में एक कैप पहनते थे, जिससे पता चल जाता था कि वो एक मुस्लिम थे। ही ऑलवेज यूज टू सिट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर अ सेकल्ड थ्रेड ऑफ ब्राह्मिन्स। वो हमेशा जो है नेक्स्ट फ्रंट रो में बैठते थे रामानंद शास्त्री के साथ, जिन्होंने ब्राह्मण्स के एक सेकल्ड थ्रेड को पहना हुआ था, एक पवित्र धागा जिसको जिनाऊ बोला जाता है उसे पहना हुआ था। The new teacher could not tolerate a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy and told Klam to sit right at the back of the class in accordance with the social rank. New teacher जो है ये बिल्कुल भी tolerate नहीं कर पा रहा था कि एक हिंदू priest boy के साथ एक मुस्लिम boy बैठे, और इसीलिए उन्होंने Klam को बोला कि वो social ranking के जो rules हैं उनके according Klam को class में सबसे पीछे बैठना चाहिए, और इसके बाद उन्होंने Klam को class में पीछे बैठा दिया। Both the friends felt very bad. दोनों फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगा। लेटर व्हेन दे रिपोर्टेड दिस टू देयर पेरेंट्स, रामानंद फादर समन्ड द टीचर एंड टुक हिम टू टास्क फॉर स्प्रेडिंग द पोजीशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन द इनोसेंट्स माइंड्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन। लेटर उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई, तो रामानंद के जो फादर थे उन्होंने टीचर को बुलाया और उन्हें कहा कि वो इन छोटे बच्चों के इनोसेंट माइंड में सोशल इनइक्वालिटी के जहर को ना भरें। On the other hand, Klam's science teacher Shiv Subramanian
अय्यर वॉज वेरी अफेक्सिनेट। दूसरी तरफ उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्सिनेट थे, मीन्स बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही ऑलवेज इंस्पायर्ड हिम टू डेवलप हिज स्किल्स सो दैट ही कुड कम्पीट विद हाईली एजुकेटेड पीपल इन बिग सिटीज़। वो हमेशा उन्हें कहते थे कि उन्हें अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए ताकि बिग सिटीज़ में जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको वो कम्पीट कर सके। वंस इन्वाइटेड क्लाम होम फॉर अ मील, एक बार उनके साइंस टीचर ने क्लाम को अपने घर खाने के लिए इनवाइट किया। हिज वाइफ अ वेरी कंजर्वेटिव वुमेन, उनकी वाइफ जो है एक बहुत ही कंजर्वेटिव वुमेन थी। कंजर्वेटिव मीन्स हैविंग ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यू, मीन्स वो एक ट्रेडिशनल लेडी थी। वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटिंग टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, और इस आइडिया से बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि एक मुस्लिम बॉय को उनकी रिचुअली प्योर किचन में खाने के लिए बुलाया गया। शी रिफ्यूज टू सर्व हिम, उन्होंने उसे खाना देने से मना कर दिया था। हिज टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड क्लाम व्हाइल शी वॉज देम ईट फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनके टीचर ने, क्लाम के टीचर ने खुद उन्हें खाना दिया और इस टाइम पर उनकी वाइफ जो है किचन डोर के पीछे से सारी चीज़ें देख रही थी। परहैप्स शी हैड थॉट दैट द वे ही एट राइस ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर मील वर डिफरेंट फ्रॉम द वेज ऑफ हाई क्लास हिंदूज हु वर अलाउड इन टू द किचन। ओके, सो परहैप्स शायद वो ऐसा सोच रही थी कि जिस तरीके से मैंने राइस खाए, पानी पिया और खाना खाने के बाद जो है फ्लोर को क्लीन किया, वो एक हाई क्लास हिंदूज जिनको उनके किचन में आना अलाउ है उनसे डिफरेंट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कलाम ने भी सेम उन्हीं तरीकों को फॉलो किया जिस तरह से हिंदूज जो है खाना खाते थे, मीन्स जिस तरह से कलाम के टीचर ने खाना खाया सेम उन्हीं मैनर्स के साथ कलाम ने भी खाना खाया। व्हेन हिज टीचर इनवाइटेड कलाम अगेन टू जॉइन हिम फॉर अ मील द नेक्स्ट वीकेंड, हिज वाइफ वेलकम्ड हिम एंड सर्व्ड हिम फूड हरसेल्फ। और जब कलाम के टीचर ने नेक्स्ट वीकेंड पर कलाम को इनवाइट किया खाने के लिए, इस टाइम पर उनकी वाइफ ने कलाम को वेलकम किया और खुद ही जो है उन्हें खाना सर्व भी किया। एमडिस्ट सच एनवायरमेंट वेयर सोसाइटी वॉज अंडरगोइंग सोशल रिफॉर्म्स फॉर द बेटर, क्लाम मूव्ड फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ सेक्वार स्कूल। और इस एनवायरमेंट के बीच में जहाँ पर सोसाइटी जो है बेटरमेंट के लिए रिफॉर्म्स कर रही थी, मीन सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे, कलाम जो है अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सेक्वार स्कूल में मूव कर गए, जो कि एक मिशनरी इंस्टीट्यूशन था रामनाथनपुरम में। ओके, हियर ही मेट हिज आइडियल टीचर यादरी सोलोमन हु रेज्ड हिज सेल्फ एस्टीम विद हिज वर्ड्स। यहाँ पर वो अपने आइडियल टीचर यादरी सोलोमन से मिले, जहाँ जिन्होंने उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को रेज किया अपने वर्ड्स के साथ। किन वर्ड्स के साथ? विद फेथ यू कैन चेंज योर डेस्टिनी एंड इन ऑर्डर टू मेक एनीथिंग हैपन यू मस्ट डिजायर इट इंटेंशनली। फेथ के साथ तुम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हो और किसी भी चीज़ को होने के लिए तुम्हें जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर्स रखने होंगे, स्ट्रांगली डिज़ायर्स रखने होंगे। मीन्स अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो और किसी चीज़ को करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए इच्छाएं होंगी रखनी होंगी वो करने के लिए। ओके, विद दिस डिटर्मिनेशन टू सक्सीड ही एनरोल्ड इन सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ तिरुचिरपल्ली। उन्होंने अपनी इस डिटर्मिनेशन, सक्सीड की इस डिटर्मिनेशन के साथ तिरुचिरपल्ली के कॉलेज सेंट जोसेफ में एनरोल्ड किया, दाखिला किया एंड कंप्लीटेड बीएससी और अपनी बीएससी इसको कंप्लीट किया। ही रियलाइज्ड दैट टू परस्यू हिज ड्रीम टू बिकम अ पायलट इंजीनियरिंग वॉज नेसेसरी फॉर विच ही अप्लाइड फॉर एडमिशन एट द मद्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। और उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, उनका ड्रीम था पायलट बनना, अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, एक पायलट बनने के लिए उन्हें टेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने MIT, जो कि इंडिया के एक टेक्निकल एजुकेशन का बेस्ट प्लेस है, वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया। क्लाम मैनेज्ड टू बी इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। क्लाम जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में थे, बट एडमिशन टू द प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। लेकिन ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना एक बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर था, मीन्स बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों के साथ जो है एडमिशन होता था। अराउंड 1000 रुपीज़
वॉज रिक्वायर्ड, थाउजेंड्स रुपीज़ की जरूरत थी, अ ह्यूज अमाउंट इन दोज डेज, और उन दिनों पर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा था, एंड अ सम हिज फादर कुड नॉट अफोर्ड, और ये इतना बड़ा अमाउंट जो है उनके फादर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाए. जोहरा हिज सिस्टर मॉर्टगेज्ड हर गोल्ड बैंगल्स एंड चेन इन ऑर्डर टू हेल्प हिम आउट. जोहरा उनकी सिस्टर ने उनकी हेल्प करने के लिए अपने गोल्ड बैंगल्स और चेन को गिरवी रख दिया. फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर हिज सिस्टर, क्लाम वॉज डिटरमिन्ड टू डू वेल इन हिज स्टडीज, और अपनी सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल के साथ क्लाम ने अपनी स्टडीज को एक बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कंप्लीट किया. मीन्स उन्होंने बहुत डिटरमिन किया, दृढ़ निश्चय किया कि वो अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे. सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं. नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अप टू हियर. बाय बाय, कीप लर्निंग.